नमस्कार जी, आप सभी का कुक विद उषा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रकार की चाट बनाना बताने जा रही हूँ, कटोरी चाट, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है और आसानी से बन जाती है। थोड़ा समय लगता है, इस लॉकडाउन पीरियड में घर के सभी सदस्य घर में ही हैं। इस समय घर की गृहिणियों को अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने का अच्छा मौका है। वो इस चाट को बनाए, अपने पति अपने बच्चों को खिलाएं, खुश करें। और यदि आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो इसका लुत्फ परिवार के और लोग भी उठा सकते हैं। इसके लिए, इस चाट के लिए जो मैंने सामग्री इकट्ठा की है वो देखिए ये है। ये मैंने 200 ग्राम मैदा और इसमें ये वाले 2 चम्मच रवा मिलाई है। और इसको मैं माड़ूंगी और इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा, हींग, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा मोइन डाल के इसको माड़ के आधे घंटे के लिए मैं इसको रखूंगी। ये एक बाउल चने की भीगी हुई दाल है और ये एक बाउल मूंग की भीगी हुई दाल है और ये महीन कटे हुए एक बाउल आलू हैं और ये छौंकने के लिए एक मीडियम साइज का प्याज, 3 कली लहसुन, 1 छोटी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कसा हुआ है। और ये इसके लिए मसाले हैं, ये नमक, ये हींग और ये जीरा और राई और ये चाट मसाला और ये है अजवाइन। ये कड़ी पत्ता और ये खाने वाला सोडा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटोरी चाट की स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे। जब रिफाइंड अच्छे से पक जाएगा जब अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग पक गई है, हींग अब पक गई है। अब हम इसमें जीरा और राई डाल रहे हैं। जीरा और राई अच्छे से पक जाएगा चटक के, तब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। देखिए राई और जीरा हो गया है। अब हम इसमें ये कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और ये कड़ी पत्ता, जब प्याज थोड़ा सा पर भुन जाएगा तब हम इसमें एक एक करके पहले चने की दाल डालेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनते हैं, बस थोड़ा सा भूनते हैं। अब हम इसमें ये चने की दाल डालेंगे। अब ये हम इसमें मूंग की दाल
गैस को थोड़ा सा सिम कर देंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। और इसको हम चलाएंगे। और अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। एक चम्मच करीब चाट मसाला। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जब दाल थोड़ी गल जाएगी उसके बाद आलू डालेंगे, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गलता है और दाल थोड़ा देर में। अब हम कटोरी बनाने के लिए मैदे को मारने जा रहे हैं। ये कटोरी मैदे से तैयार की जाती है जिसमें ये स्टफिंग भरी जाती है। इसमें हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालेंगे चुटकी भर, और इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे। ये 200 ग्राम मैदा है। और इसमें हम अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे। और थोड़ा सा मोइन डालेंगे रिफाइंड। और इस रिफाइंड को हम मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ी सी कमी लग रही है, थोड़ा सा और डाल लेंगे। इसको आप अपने अनुसार ज्यादा और कम भी डाल सकती हैं। अगर कम ऑयली चाहिए तो कम डालिए, और अगर ठीक ठीक ऑयली चाहिए तो आप ज्यादा भी डाल सकती हैं। अब ये देखिए मैदे में रिफाइंड मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसको मारेंगे। ये बहुत ना ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा गीला हो, जैसे पूड़ी का आटा होता है बस उस तरह से मारते हैं। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए चने की दाल अब गल गई है, आधी गल गई है। अभी थोड़ा इसमें और बाकी है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। और हम फिर से इसको ढक देंगे। ये देखिए स्टफिंग तैयार हो गई है, सब कुछ गल गया है अच्छे से, आलू भी गल गए हैं और ये स्टफिंग तैयार हो गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा महीन कटा हुआ धनिया डालेंगे। और ये भुन भी गई है। अब हम गैस बंद करके इसको ढक के रख देंगे। अब हम इस
स्टफिंग के लिए कटोरी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये मैदा माड़ के रखी है, जिसको कि मैंने माड़ने के बाद आधा घंटे गीले कपड़े में माड़ के रख दी थी। और अब मैं कढ़ाई में रिफाइंड डालूंगी इसको तलने के लिए। रिफाइंड इतना हो कि कटोरी रिफाइंड में डूब जाए। ये देखिए, ये मैंने लोई तैयार कर ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफाइंड लगाकर बेलूंगी। पूड़ी को कटोरी में चिपकाने से पहले हम इसे चक्कू से गोद लेते हैं, जिससे ये फूले नहीं। ये देखिए, हमने ये पूड़ी तैयार कर ली है, जो मैदा माड़ा था। जिस आकार की हमें कटोरी तैयार करनी है, उस कटोरी में हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और इस पूड़ी पर ऐसे रख के और इसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं। और अच्छे से इसको हम कटोरी में चिपका देते हैं। और अब हम इसको रिफाइंड में डालेंगे। ये रिफाइंड में कटोरी तल रही है और कटोरी अपने आप ही मैदा छोड़ देती है। थोड़ी सी आंच तेज करते हैं। अब ये बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये कटोरियां इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे, जो मैंने इसके लिए मटेरियल तैयार किया है। हाँ, ये देखिए, मैंने ये एक कटोरी ले ली है और ये स्टफिंग हम इसकी इस तरह इसमें भरेंगे। और इसके लिए मैंने ये तैयार किया है। ये मीठी चटनी है, ये दही है, ये कटा महीन प्याज है, हरी चटनी है और ये हरी मिर्च कटी हुई है, जो लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। और ये काला नमक है, हरा धनिया है और ये सादा नमक है और ये गरम मसाला है। ये अपने स्वादानुसार आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले प्याज डालेंगे, जितना आपको पसंद हो उस मात्रा में आप प्याज डाल सकते हैं। और तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्च।
और इसके बाद हम इसमें अब मीठी चटनी डालेंगे। और फिर दही, और पसंद के अनुसार आप इसमें अगर खट्टी चटनी पसंद करते हैं तो आप खट्टी चटनी भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया है, चुटकी भर काला नमक है, चुटकी भर गरम मसाला है, और ये आपकी अब कटोरी चाट बनके तैयार हो गई है। अब ये मेरी कटोरी चाट कंप्लीटली तैयार हो गई है। आप इसको घर में बना के आराम से खा सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप इसको घर में बैठ के बनाते रहिए, खाते रहिए और अपनों को खिलाते रहिए। आपको ये डिश कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार।